उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेंसेज का रिव्यू शेयर करूंगी और जिस ब्रांड के लेंसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है जर्मनी का सुसी ब्रांड। मैंने पहले भी बहुत से लेंसेज के शेड्स के रिव्यू दिए हैं, अगर आप वो वीडियोज चेक करना चाहती हैं तो उनके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो अब बात करती हैं लेंसेज पे जो कि मैंने खरीदे हैं। ये है लेंसेज, सुसी लेंसेज, ईयरली लेंसेज है और इनको मैंने दराज से ही परचेज किया था। मैंने इस ब्रांड के पहले कभी भी लेंसेज ट्राई नहीं किया, तो इसको लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है और मैंने इसको बहुत दफ़ा लगाया है, सारा दिन भी लगा के चेक किए हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी लगाए हैं क्योंकि मैं अच्छी तरह चेक करना चाहती थी कि ये वर्थ माइन है या नहीं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसका जो शेड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक्वा। मैंने इनकी वेबसाइट खोली थी और वहाँ से मैंने देखा कि एक्वा में भी 2 शेड्स अवेलेबल है, एक एक्वा ओल्ड है और एक एक्वा न्यू है। तो ये जो है ये एक्वा ओल्ड है। सबसे पहले मैं आपको इसके खोल के दिखा देती हूँ कि किस तरह के पैकेजिंग में आए थे। मैंने संभाल के रखा हुआ था कि कहीं मुझसे इधर उधर कोई चीज़ ना हो जाए। ये 3 चीज़ें जो थी ना ये इस बॉक्स में इंक्लूड थी और इसमें कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं था, सिर्फ ये बॉक्स था। इसकी प्राइस जो थी मुझे भी याद नहीं है, मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहती। तो लेंजेस जो हैं बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, अच्छे से प्रोमिनेंट होती हैं। मैं आपको इसको लगा के भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक आँख पे लेंस पेयर के लिए, डिफरेंस आप चेक कर लें, बहुत जैसे एकदम आँखों में चेंज लेके आती हैं। और कलर जो है ना ये ग्रे भी नहीं है, ये ब्लू भी नहीं है, ब्लू ग्रे येलो मिक्स सा शेड आता है जिस तरह का एक्वा कलर होता है। अब मैं दूसरी आँख में भी लगा लूँ, उसके बाद मैं आपको क्लोज इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखते हैं। ये मैंने दूसरी आँख में भी वेयर कर लिया है, कलर आप लोगों के सामने बहुत ही खूबसूरत लगता है और अच्छे से प्रोमिनेंट होता है, डार्क आईज पे भी, लाइट आईज पे भी। इसको आप अगर सारा दिन भी लगा के रखती हैं ना तो कोई इरिटेशन नहीं होती है, कोई इचिंग नहीं होती है, बहुत लाइट है। मैं आपको लाइट के बगैर भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से दिखता है सिर्फ रूम लाइट में। तो ये इसका कलर है, रूम लाइट में अच्छा खासा प्रोमिनेंट होता है, रूम में आउटडोर भी बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होता है। उन लोगों को ये डेफिनेटली शेड पसंद आएगा जो लाइटर, बहुत ज़्यादा लाइट शेड जो है वो इस्तेमाल करती हैं। हाँ, उन लोगों को ये कलर नहीं पसंद आएगा कि जो नेचुरल टाइप की शेड बाई करती है ना, तो ये थोड़ा सा फैशन शेड में चला जाता है, जैसे जो मेकअप के साथ ना ज़्यादा खूबसूरत लगती है लेंस, ये उस तरह का शेड है। आम डेली रूटीन में ना ये बहुत फिर ओवर लगता है। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप किस किस्म का शेड खरीदते हैं या ख़रीदना चाहते हैं। मैं इसकी आपको क्लोज लुक दिखा देती हूँ। ये लेंस का कलर है, आप अच्छे से देख लें, बहुत ही खूबसूरत इसमें शेड आते हैं, ग्रे का भी शेड आता है, ग्रीन का भी शेड आता है और ब्लू येलो टाइप का भी शेड है। तो ये है जी लेंस का कलर लाइट के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अच्छा लगा होगा आपको भी। मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। तो ये थे लेंजेस, मुझे बहुत ही पसंद आए हैं और मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर जाके ख़रीदें। जहाँ से मैंने परचेज़ किए हैं वहाँ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।